राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में मुंगेली जिले के महुआ भाटा को हराकर बिलासपुर जिले के करपिहा बना विजेता। कोटा विकासखंड के ग्राम केकरडी में नव युवक समिति द्वारा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष संदीप शुक्ला व कोटा जनपद सदस्य प्रभात पांडे के मुख्य आतिथ्य द्वारा किया गया। वही सरपंच जोशीलाल मिंज, जिला कांग्रेस महामंत्री गणेश कश्यप, चंद्रभान नायक, आयोजन समिति के अध्यक्ष सूर्यकांत नेटी के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद सदस्य प्रभात पांडे ने कहा कि कबड्डी भारत का प्राचीन खेल है। 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में कबड्डी को विश्व स्तर में पहचान मिली। राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी को शामिल करने के साथ भारत में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए सन 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया। वर्तमान में भारत में कबड्डी प्री लीग का भी आयोजन होने से युवा अधिक से अधिक संख्या में कबड्डी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। कबड्डी एक परंपरागत खेल है जिसे खेलने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग मिलकर अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए खेल को खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि उप विजेता टीम के खिलाड़ी निराश न हो कर कठिन परिश्रम कर आगामी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए लक्ष्य बनाए। कार्यक्रम को अमित गुप्ता, संजय यादव, पंच एवं संतोष श्याम ने भी संबोधित किया। नव युवक समिति के अध्यक्ष बालक राम यादव द्वारा प्रतियोगिता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच ग्राम करपिहा एवं मुंगेली जिले से आए ग्राम महुआ भाटा की टीम के बीच खेला गया। करपिहा टीम के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहुँचे प्रभात पांडे द्वारा प्रतियोगिता में विजयी टीम करपिहा को 15,000 रूपए नगद व शील्ड, उप विजेता टीम महुआ भाटा को 10,000 रूपए नगद एवं शील्ड, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले केकरडी को 5,000 नगद एवं शील्ड एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली स्टार टीम केकरडी की टीम को 3,000 रूपए नगद एवं शील्ड देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में सीताराम श्याम, खेलावन यादव, जेठूराम यादव, टीकाराम, चमरू राम, तुलसीराम सहित आसपास से आए एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। खेल कबड्डी आज जो हम लोग वैसे बहुत बहुत मैच खेल चुके हैं, बहुत दूर से आए हैं। वहाँ मुंगेली जिला से तहतपुर के पास हमारा गांव है। बहुत मैच खेल चुके हैं, यहाँ मैच बहुत अच्छा रहा, खेलने भी बहुत मजा आया। अब तक कितने मैच हासिल किया आपका कोच आप सीखे हैं कि ऐसे से? हमारा कोच कोमल सर है, ऐसे कोच हमारा कोमल मरावी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बहुत हमारा सर है। बहुत मैच खेल चुके हैं सर हम लोग। कितना मैच पहला इनाम आया, दूसरा इनाम, पहला लो कैसे बताऊं कितना इनाम आया। आगे और क्या चाहते हैं आप लोग? अगर अब हम और अच्छे पोजीशन में जाने चाहते हैं, अच्छे खेलने चाहते हैं। मेरा भरत कुमार साहू। जिसे आपको हम जो हमारे पुराना सीनियर प्लेयर जैसे उखल देख के सीखे हैं, तो उखल देख के खेलते हैं। जिन आने वाले पीढ़ी है वो हमें देख के सीखा है, वो आगे बढ़े। पंच रामकट का, प्रदीप का, निखल सिंह के, शालिक भैया, इमनपुरा सीनियर, पुराना सीनियर। सिख गहन खेलथन, बीच बीच में जाते रहते। मैच जीते हैं गिनती नहीं है सर, सम्मानित नहीं पता। आगे प्रशासन पर आगे बढ़ आओ चाहतन के हमार कोटा ब्लॉक ले आओ जाए, आगे बढ़ा जिला खेला नेशनल जाए। नोहर मरावी करपी है।
रतनपुर से हरीश मारवा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।